हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस सी एग्ज़ाम में जिनका 200 नंबर के आसपास बन रहा है, क्या उनको फिजिकल करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं। और जिन भी महिलाओं का, मतलब गर्ल्स में जिन भी महिलाओं का लगभग 180 से 190 नंबर बन रहा है, अगर वो जनरल से बिलोंग करती हैं, क्या उनको रनिंग करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इन सब टॉपिक्स को पूर्ण रूप से मैंने एनालिसिस किया और उसके बाद आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ। मुझे ज़रूरी लगा कि आप तक ये वीडियो पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। मेरे पास बहुत ही लड़के और लड़कियों का मैसेज आ रहा है कि सर थोड़ा सा आप बता दीजिए, थोड़ा सा कि किस नंबर तक हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं फिजिकल की। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल कहाँ तक, किस नंबर तक लड़कियाँ अगर उनका नंबर हो तो वो स्टार्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर जो भी लड़का जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उनके नंबर 200 के आसपास बन रहे हैं, तो वो फिजिकल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 200 नंबर एक बहुत ही अच्छा मार्क्स माना जाएगा फिजिकल के लिए। और फाइनल के लिए मैं बता दूँ कि जनरल की कट ऑफ जो है 215 के प्लस नहीं जाएगी। जितना एग्ज़ामपुर पे विवेक सर ने बताया है कि 230 प्लस जाएगी जनरल कट ऑफ, मेरे हिसाब से 215 प्लस नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपना रॉ मार्क देख लीजिए, अगर 215 के आसपास बन रहा है तो आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। और हाँ, फिजिकल लिए मैं बता दूँ कि अगर आपका 200 नंबर के आसपास बन रहा है तो आप लोग फिजिकल के लिए भाई प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास भाई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि लगभग एक हफ्ते या दो हफ्ते के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, उसके एक डेढ़ महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के आने के केवल 10 से 12 दिन बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास अभी से अगर देखा जाए तो अभी से लगभग आपके पास 2.5 महीने हैं फिजिकल तैयार करने में। और आपको पता है कि 5 किलोमीटर की रनिंग इतना आसान नहीं है कि आप लोग 10 दिन 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आपको इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 महीने तो ज़रूर चाहिए। ठीक है, जो पहली बार दौड़ेंगे उनके लिए, तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही कठिन रहने वाली है फिजिकल। तो दोस्तों, ऐसा ना हो कि आपके अच्छे मार्क्स आने के बाद भी आप फिजिकल में छट जाएँ, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ भाई कि जो भी फिजिकल करना स्टार्ट नहीं किया है वो स्टार्ट कर दें। अब आते हैं गर्ल्स की क्या, मतलब क्या रहने वाली है। ठीक है, तो गर्ल्स में जनरल की बात करें, अगर उनका 180 नंबर से 190 नंबर के आसपास में बन रहा है, वो फिजिकल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और गर्ल्स OBC की बात करें, जिनका 170 प्लस नंबर है, वो फिजिकल करना स्टार्ट कर दें। और SC की मैं बता दूँ, लगभग 160 के आसपास SC की जाएगी और लगभग 155 से 160 के बीच में ST की जाएगी फिजिकल कट ऑफ। ठीक है, तो जितने भी मेरी प्यारी बहनें हैं वो भी फिजिकल अपना करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि बॉयज़ के साथ में भी उनका फिजिकल होता है, बस थोड़ा सा उनका 2-4 दिन पहले करा लिया जाता है या 4-5 दिन बाद, लड़कों के 4-5 दिन बाद करा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, सबसे पहले एक रियल डाटा मैं बता दूँ कि जो 2018 और 19 की वैकेंसी आई थी उसमें महिलाएं, जानते हो, 50% फिजिकल में छट रही थी। तो ऐसा ना हो कि उनमें आपका नाम आ जाए, आप लोग समय रहते फिजिकल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, और हाँ, मैं बता दूँ कि 5 दिन में 10 शिफ्टों में यूपी पुलिस एग्ज़ाम की परीक्षाएँ सम्पन्न हुई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सम्पन्न हुई है। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, बस हाँ थोड़ा सा लेवल अप और डाउन था, वो भी लेवल केवल अप डाउन 30 और 31 को हुआ है बस। 25, 24 और 23 अगस्त इन सब का एग्ज़ाम एक लेवल पे था। कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 30, 31 का भी पेपर सेम ही लेवल पे था, बस हाँ सबको अपना पेपर कठिन लगता है और दूसरे का आसान लगता है। आप लोग खुद परीक्षा दिए हैं, आप लोग खुद आकलन करिए कि क्या कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी ईजी थी, ये चीज़ आप लोग खुद आकलन कर लो। ठीक है, और हाँ, बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन में आपके कम से कम, मेरे हिसाब से, जिनकी शिफ्ट हार्ड रहेगी भाई थोड़ा माफ़ करना, वैसे मेरी हेल्थ इशू है तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है,
तो बता दूं कि जिनकी सिर्फ थोड़ी सी हार्ड होगी उनको कम से कम 15 से 20 नंबर मिलेंगे, और जिनकी इजी होगी उनको कम से कम 8 से लेकर 12 नंबर तक मिलेंगे। ठीक है, बस वही 4-5 नंबर का फ़र्क रहेगा। आप लोग इसको भाई ये मान के चलो कि आपकी अगर आप लोगों ने मिला लिया है तो उससे एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, और अन्यथा वही क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग फ्री माइंड से होके फिजिकल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और मैं खुद की बता दूं तो मुझे 3 दिन हो गया रनिंग करते हुए। मैं 2 सितंबर से रनिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे नंबर भी 200 प्लस हैं, तो मैं रनिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग रनिंग करना स्टार्ट नहीं किए हैं सो प्लीज़ आप लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दो। हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग रनिंग कैसे करें, मीन्स ग्राउंड पे करें या सड़क पे करें। सड़क पे करने से ये मैं बता दूँ, जो पैर की ये वाली हड्डी होती है, पैर की ये वाली हड्डी, ये सिन पेन होने लगता है अगर आप लोग सड़क पे रनिंग करेंगे तो। ठीक है, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, वो अगर ग्राउंड प्रेफर करते हैं, अगर उनके आसपास ग्राउंड है तो वो लोग ग्राउंड पे जाके रनिंग करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने भाई रनिंग करके देखा है कि सड़क पे करने से आपके पैरों में दर्द होने लगते हैं, आपके जो ये सिन पेन मैंने बताया पैरों का वो हड्डी, उस पर दर्द करने लगते हैं क्योंकि उस पर भार पड़ता है। और ग्राउंड पे है, ग्राउंड थोड़ा सा अच्छा है और सिचुएशन के हिसाब से सही भी है, क्योंकि यूपी पुलिस फिजिकल ग्राउंड पे ही कंडक्ट करवाई जाती है। सो आपके लिए भाई ये पहले से अनुभव रहेगा कि मैं ग्राउंड पे किस हिसाब से किस स्पीड में दौड़ रहा हूँ और कैसे दौड़ रहा हूँ, ये चीज़ आपको पहले से पता रहेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से मन लगा के फिजिकल करना स्टार्ट कर दो। और मेरा आपके समक्ष यही उद्देश्य था आने का कि आपको थोड़ा सा फिजिकल लिए मैं प्रिपेयर अभी से करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि बहुत से लड़के हैं उनका अच्छा नंबर होने के बावजूद भी 2018 और 19 में वो फिजिकल में छट गए थे। तो ऐसा ना हो वो दिन आपको देखना पड़े। आपने लगातार 6 महीने फरवरी से लेकर अगस्त तक जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसके लिए, री एग्ज़ाम के लिए आपने ताबड़तोड़ जी तोड़ मेहनत की है, तो ऐसा नहीं चाहता हूँ दोस्तों आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए कि फिजिकल आपका ना निकल पाए। इससे अच्छा है तो आप लोग फिजिकल पास कर लीजिए, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा, वो तो ऊपर वाले के आदेशानुसार ये सब चीज़ चलता है। ठीक है, बस आप लोग बस फिजिकल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और हाँ, बात कर लेते हैं कि कट ऑफ की क्या कट ऑफ रहने वाली है। मेरे हिसाब से जनरल की 215 के आसपास, OBC की लगभग 210 या 212 के आसपास, EWS की 208 से 210 के आसपास, SC की लगभग 205 या 200 के आसपास, ST की 190 प्लस जिनका भी है ST में भाइयों, वो लोग 100% अपना सिलेक्शन माने। ठीक, और गर्ल्स की बात करता हूँ, 190 प्लस जिन भी लड़कियों का नंबर है वो 110% आप लोग अपना सिलेक्शन संपूर्ण मानिए, फाइनल हो जाएगा, लिख के ले लीजिए, ये वीडियो सेव कर लेना अपने गैलरी में। ठीक है, कि जो ये सर बता रहे हैं, अमन सर बता रहे हैं, ये 100% ऑथेंटिक और रियल डाटा पे बता रहे हैं। ठीक है, और हाँ, बात करते हैं OBC गर्ल्स की, अगर वो 180 नंबर के आसपास वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जोड़ के चले, कम से कम 10 नंबर मान चलिए, अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोग अगर 180 नंबर के आसपास हो रही है तो आप अपना सिलेक्शन 100% मान के चलिए। ठीक है, और SC 170 के आसपास, ST 160 165 के आसपास, ये अपना सिलेक्शन मान के चले। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग इस पर कमेंट करके अपना राय ज़रूर देंगे कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था और आपके नंबर कितने बन रहे हैं। और आप लोग अगर 200 के आसपास नंबर आपके हों तो आप लोग फिजिकल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके तक अगर पहुँचाई जाए या डिलीवर किया जाए तो आपके तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं भाई एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।